निकाल। हाय एवरीवन, हाउ आर यू? दिस इज डॉक्टर छविकर। वेलकम टू माय चैनल कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ। आज मैं आपको बताऊंगी, जो मैं लेक्चर लेने जा रही हूँ वो कॉन्ट्रैक्ट का एक टॉपिक है, कंसीडरेशन। तो कंसीडरेशन और उसके सेंशन पे तो मैं ऑलरेडी लेक्चर ले चुकी हूँ, वीडियो आपको अपलोड कर चुकी हूँ। अब इसका एक नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसीडरेशन। तो आज जो मैं लेक्चर देने वाली हूँ वो है आपका कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसीडरेशन। देखिए, आपको पता है कंसीडरेशन होना किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कंसीडरेशन नहीं है तो इसका मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है। तो अगर कंसीडरेशन है तभी कॉन्ट्रैक्ट है, कंसीडरेशन नहीं है तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो इसीलिए कहा जाता है नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको क्लियर हो गया, अगर कोई भी कंसीडरेशन नहीं है तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा। इसमें एक बड़ा फेमस केस हुआ था जो मैं आपको बताती हूँ, लीडिंग केस अब्दुल अजीज वर्सेस मौजम अली। कौन सा केस हुआ था? अब्दुल अजीज वर्सेस मौजम अली। इसमें क्या हुआ, एक मिस्टर एक्स ने मस्जिद बनाने के लिए जो है 500 रुपये जो है डोनेट किए। बाद में वो जो है मुकर गया कि मैं अब 500 रुपये नहीं दूंगा। अब ये कोर्ट में केस किया तो कोर्ट ने डिसाइड किया कि यहाँ पे मिस्टर एक्स तो 500 रुपये दे रहे हैं लेकिन मस्जिद से तो कोई भी कंसीडरेशन नहीं जा रहा है मिस्टर एक्स के पास। इट मीन्स यहाँ पे कोई कंसीडरेशन नहीं है उस 500 रुपये के अगेंस्ट में, तो यहाँ पे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो हम मिस्टर एक्स को बाध्य नहीं कर सकते कि वो 500 रुपये जो है डोनेशन करें। लेकिन इसका एक दूसरा भी पहलू है, अगर आप किसी मस्जिद या मंदिर में दान देते हैं और उनके दान के बेसिस पे आपने कोई भी लाइबिलिटी इनकर कर दी है, मीन्स आपने कोई कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया या कुछ भी कर दिया है, तो अगर आपने लाइबिलिटी करनी शुरू कर दी है तो फिर आपको वो डोनेशन देनी ही पड़ेगी। तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि नो कंसीडरेशन मीन्स नो कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, तो मैं आपको वो एक्सेप्शन भी बता देती हूँ। तो सबसे पहला एक्सेप्शन है नेचुरल लव एंड अफेक्शन। पहला कौन सा हुआ आपका? नेचुरल लव एंड अफेक्शन। इट मीन्स कि अगर आप किसी को नेचुरल लव एंड अफेक्शन की वजह से कोई चीज़ ट्रांसफ़र करते हो तो इसके लिए आपको कोई कंसिडरेशन नहीं चाहिए। लेकिन इसकी कुछ कंडीशन होती है। एक तो ये जो ट्रांजेक्शन है आपका, ये सिर्फ आपके नियर डियर जो रिलेटिव्स होते हैं उन्हीं के बीच में होना चाहिए। दूसरा, ये जो ट्रांजेक्शन है रिलेटिव के बीच में भी जो है आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन होना चाहिए। थर्ड है, ये आपका राइटिंग में होना चाहिए, ओरली आप नहीं कर सकते हो। फोर्थ है, ये जो है रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर ये चारों कंडीशन पूरी होती है तो इट मीन्स अगर आपका कोई कंसिडरेशन मूव नहीं भी हो रहा है तो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक हस्बैंड अपनी वाइफ को कहता है कि मैं हर महीने 1,000 रुपये पॉकेट मनी का अपनी वाइफ को दूंगा, तो अब वो 1,000 रुपये क्यों दे रहा है? आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन दे रहा है। उसने उसे राइटिंग में भी किया और रजिस्टर्ड भी करा लिया इस डॉक्यूमेंट को, तो माना जाएगा कि वो 1,000 रुपये वाइफ अपनी हस्बैंड से हर महीने ले सकती है। अब इसी में एक बड़ा फेमस केस हुआ था, इसे आप आराम से सुनिए। ये था राजा लक्की देवी वर्सेस भूतनाथ। तो कौन सा केस हुआ था? राजा लक्की वर्सेस भूतनाथ। इस केस में क्या हुआ, हस्बैंड ने एक रजिस्टर्ड डेट बनवाई और उसमें ये लिखा कि मेरी अपनी वाइफ से बहुत लड़ाई रहती है, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी उसको 1,000 रुपये हर महीने देता रहूँगा। अब उसने रजिस्टर डॉक्यूमेंट कर लिया, फिर उसने मना कर दिया, भाई मैं अब 1,000 रुपये नहीं दे रहा। तो वाइफ ने जो है कोर्ट में सीयू कर दिया। अब आप लोग बताइए कोर्ट ने क्या डिसाइड किया होगा, थोड़ा दिमाग पे जोर दीजिए। बिल्कुल ठीक सोचा है आप लोगों ने कि इसमें कोर्ट ने किसकी फेवर में डिसाइड किया होगा, मिस्टर एक्स की जो हस्बैंड है, क्योंकि हमने आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन में मैंने आपको चार कंडीशन बताई थी, तो उसमें से एक कंडीशन थी कि जो भी ट्रांजेक्शन हो वो आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन होना चाहिए। और यहाँ पे उसने अपने राइटिंग जो लिखी थी, जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट था, उसमें पहले ही मेंशन कर दिया था कि मेरी अपनी वाइफ से लड़ाई रहती है।
इसीलिए जो है मैं ये 1000 रुपये दूंगा। तो यहाँ तो आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन है ही नहीं, ये तो सीधे सीधे बिल्कुल लड़ाई की वजह से है। तो माना जाएगा यहाँ पे नो कंसिडरेशन, इट मीन्स नो कॉन्टेक्ट। तो पॉइंट क्लियर हो गया आपको। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका, कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलेंट्री सर्विस। इसका मतलब है अगर आपने पास्ट में कोई सर्विस दी है उसके बदले बाद में कोई आपको कहता है कि ठीक है अब मैं आपको कंसिडरेशन दे रहा हूँ, तो उस वक्त तो कंसिडरेशन मूव नहीं हो रहा है क्योंकि आप तो पास्ट में दे चुके हो। तो ऐसे केस में भी माना जाएगा अगर कंसिडरेशन नहीं है तो भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ए ने एक बार एक बच्चे की जान बचाई, ठीक है। अब उसके फादर ने 2 महीने बाद उन्हें 10,000 रुपये दिए कि अब जो है आपने मेरी 2 महीने पहले बच्चे की जान बचाई थी, तो अब आप मुझसे 2,000 रुपये ले लीजिए। तो माना जाएगा यहाँ पे उस वक्त तो कोई कंसिडरेशन मूव नहीं हुआ क्योंकि बच्चे की जान तो उसने 2 महीने पहले बचाई थी। लेकिन ऐसे केस में भी क्योंकि ये एक्सेप्शन में आता है तो ना कोई कॉन्ट्रैक्ट है आपका वैलिड माना जाएगा क्योंकि कंसिडरेशन नहीं है, फिर भी नो कंसिडरेशन होने के बावजूद आपका ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, प्रॉमिस टू पे ए टाइम बार डेट। आपको पता ही है टाइम बार में क्या होता है, अगर आपने किसी को उधार दिया है और 3 साल बीत जाते हैं तो फिर आप उसे रिकवर करने के लायबल नहीं, लेकिन आप उसे रिकवर कर सकते हो अगर डेटर ने राइटिंग में साइन कर दिया है किसी टाइम बार डेट को देने के लिए, क्योंकि उसका कंसिडरेशन क्या है, जो आपने शुरू में लोन दिया था। तो इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी, एक तो डेटर के साइन होने चाहिए, ये राइटिंग में होना चाहिए, और ये किससे रिलेटेड होना चाहिए, ये आपका रिलेटेड होना चाहिए जो कि टाइम बार डेट हो। तो प्रेजेंट में उसके लिए कोई कंसिडरेशन नहीं है, फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वैलिड माने जाते हैं। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है एजेंसी, ठीक है। आपको ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गए, अब नेक्स्ट पॉइंट है इसका एजेंसी। एजेंसी में क्या होता है, अगर प्रिंसिपल किसी पर्सन को अपना एजेंट अपॉइंट करता है तो एजेंट अपॉइंट करने के लिए उसे कोई भी कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती है। तो प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में कोई भी कंसिडरेशन मूव करने की कोई जरूरत नहीं है, विदाउट एनी कंसिडरेशन भी एजेंसी और प्रिंसिपल का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आराम से हो सकता है। और इसका लास्ट पॉइंट है कंप्लीटेड गिफ्ट। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि जब हम गिफ्ट डीड से किसी को ट्रांसफर करते हैं तो गिफ्ट क्या होता है, जिसमें दूसरे से कोई कंसीडरेशन नहीं आ रहा है कि आपके पापा ने आपको बाइक गिफ्ट कर दिया अगर आप एग्जाम में फर्स्ट आए हो, या वाइफ को नेकलेस गिफ्ट कर दिया, तो वाइफ तो कुछ दे नहीं रही है। तो इट मीन्स क्या होगा कि गिफ्ट में आपको कंसीडरेशन की नहीं जरूरत होती है। तो आपने रजिस्टर्ड और राइटिंग गिफ्ट डीड बनाई है तो कंसीडरेशन नहीं है, तब भी गिफ्ट वैलिड मानी जाएगी और गिफ्ट का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड माना जाता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर कंसीडरेशन नहीं होता तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता, लेकिन इसके कुछ सर्कमस्टांसेस बताए गए हैं जिन्हें हम बोलते हैं एक्सेप्शन। उन केसेस में कंसीडरेशन नहीं होता फिर भी हम कॉन्ट्रैक्ट को क्या मानते हैं, वैलिड मानते हैं। तो क्लियर हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है क्योंकि बच्चे जो है शुरुआत का तो टॉपिक कर लेते हैं और ये टॉपिक करना भूल जाते हैं। तो इसे आराम से करिएगा। आई होप कि आपको बड़ी इजी लैंग्वेज में मैंने समझाया है। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो लाइक और शेयर करने में कोई कंजूसी मत करिएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।